हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा, जैसा कि पता कि हम लोग का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग का चैप्टर या टॉपिक यहाँ पर चल रहा था, जिसमें अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। हम लोग का यहाँ पर अध्याय या चैप्टर चल रहा था, जिसमें क्या हो जाएगा, हम लोग हर वीडियो में तीन तीन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही यहाँ पर आपको कराने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से मतलब कराता हूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन है, अब ये थोड़े सा अच्छे क्वेश्चन है, इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, कह रहा है इफ एमएथ टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी का एमएथ टर्म हमको 1/n दे रखा है, ठीक है, एंड एनएथ टर्म ऑफ एपी 1/m। कह रहा है एपी के एमवे एपी का एमवा पद हमको 1/n दे रखा है, और कह रहा है एपी का एनवा पद हमको 1/m दे रखा है। तो कहा देन शो दैट इट्स एमएथ, मतलब m इंटू एन एमएथ टर्म ऑफ एपी, कितना एमएथ टर्म कितना हो जाएगा, हमको दिखाना है कि ये एक हो जाएगा, हमको दिखाना है कि एपी का m इंटू एनएथ टर्म जो आपका एपी कितना हो जाएगा, हमको वन यहाँ दिखाना है। तो हम लोग पहले आंसर नंबर फर्स्ट की यहाँ बात हम लोग करेंगे। अब यहाँ देखो, अब आप लोग यहां देखो, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म अगर हम लोग ए ले लें क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये अगर मान लो डी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mth टर्म ऑफ एपी, एपी का mth टर्म हमको क्या दे रखा है, 1/n का n दे रखा है, 1/n का n दे रखा है, चाहे mth टर्म होगा क्या, a प्लस का n की जगह m हो जाएगा, m माइनस का 1, ये आपका d हो जाएगा, ये आपका am की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, am आपको दे कितना रखा है, 1/n का, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस का m माइनस का 1 d इक्वल आपका 1/n का n आ जाएगा, इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेंगे। अब देखो, हम लोग बात करेंगे nth टर्म ऑफ ap, nth nth टर्म ऑफ ap, अब nth टर्म को 1/n का n दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, a फर्स्ट टर्म n माइनस का 1 d, और an की वैल्यू हमको 1/n का n दे रखी है, ये आपका इक्वेशन क्या जाएगा, ये आपका इक्वेशन सेकंड जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से हम लोग जब माइनस करेंगे, तो इक्वेशन वन हम लोग की लिखी है ए प्लस का एम माइनस का वन डी इक्वल 1/n का एन, या कि इक्वेशन वन आ जाएगी, इक्वेशन टू आ जाएगी ए प्लस का एन माइनस का वन डी इक्वल ये 1/n का एम आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान देना, यहाँ पर आपका m हो जाएगा, m क्यों होगा, तो कह रहा है ap का जो nth टर्म है वो 1/n का m हो जाएगा, तो 1/n का m यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन सेकंड यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, इक्वेशन जब माइनस करोगे तो ये a आपका प्लस में है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, n माइनस का 1 d आपका प्लस में है, तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, और 1/n का m प्लस में, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। देखो, माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो डी कॉमन ले लोगे, तो अंदर कितना बचेगा, एम माइनस का वन माइनस का एन माइनस का वन, ये आपके अंदर इधर आपका बचेगा। भाई देखो, कैसे सॉल्व किए, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए इसको, थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग करते, वरना आधे लोग को समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। देखो सर, जब माइनस करोगे तो एम माइनस का वन डी और माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का एन माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा। अब देखो, ये कितना आपका आ जाएगा, माइनस का एन और माइनस का एम आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, दोनों में डी कॉमन ले लो, जब डी कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, एम माइनस का वन और ये एन माइनस का वन, ये आपका ऐसे बचेगा। और देखो, इनका जब मल्टीप्लाई कर लो तो एम माइनस का एन अपान में एम इंटू एन आपका हो जाएगा। अब जैसे इनका ब्रैकेट खोलोगे हम लोग अंदर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ना, तो क्या देखो क्या जाएगा, एम आपका एम माइनस का एन रहेगा और माइनस का एन प्लस का वन आ जाएगा। तो सर, आपको सर यहाँ तो एन माइनस का वन है, आपने एन प्लस का वन
कैसे कर दिया। तो देखो बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ये आपने क्लास 6-7 में पढ़ रखा होगा। देखो प्लस का वन ये माइनस का वन प्लस का वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा एम माइनस का एन अपान में एम इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, देखो डी आपका ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर, और एम माइनस का एन आपका रहेगा कितना रहेगा एम माइनस का एन इक्वल में अपान में एम इंटू एन आ जाएगा। देखो एम माइनस का एन ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग डी की निकालेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा वन अपान का एम इंटू एन, ये आपका डी की वैल्यू आ जाएगी। पर डी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो हम लोग इस लाइन की चित्र करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन। अब डी की वैल्यू इक्वेशन वन में जब पुट करोगे तो आपका ए ऐसा लिखा रहेगा, और एम माइनस का वन ऐसे रहेगा, और डी की जगह क्या आ जाएगा वन अपान का एम इंटू एन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये आपका, और वन अपान का एन ऐसे ही एच डी वहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे। अब यहाँ देखो ए आपका ऐसे लिखा रहेगा प्लस का, अब वन अपान का एम एन को जब अंदर करोगे मल्टीप्लाई तो एम अपान का एम एन आ जाएगा, और माइनस का एम एन ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या आ जाएगा वन अपान का एन ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस का वन अपान का एन ये माइनस का एम एन अपान में आ जाएगा, और ये वन अपान का एन रहेगा। आपको पता है कि इक्वल के अपोजिट साइड्स में अगर दोनों साइन सेम साइन वाले टर्म होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपान का एम एन आ जाएगा। अब देखो हमको ए डी मिल गया है, अब हमसे क्या कह रहा है कि बताओ शो दैट एम एथ टर्म ऑफ ए पी, तो ए पी लिखेंगे ए इंटू एम, एम एथ क्या जाएगा एम इंटू एन, एम एथ टर्म ऑफ ए पी, तो एम एथ मतलब क्या जाएगा ए एम आपका आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू ऐसे रहेगी प्लस का, एन की जगह क्या हो जाएगा एम इंटू एन माइनस का वन, ये आपका डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमको वन यहाँ पे लाने की थी, या वन आपके आनी चाहिए, तो ए कितना आ जाएगा ए आपका एम एन आ जाएगा। भाई ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे प्लस का एम एन माइनस का वन, और डी की वैल्यू वन अपान का एम एन आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये वन अपान का एम एन ऐसे लिखा रहेगा प्लस का, अब देखो जब वन अपान का एम एन को जब अंदर करोगे मल्टीप्लाई तो एम एन अपान का एम एन आ जाएगा, तो माइनस से क्या आ जाएगा एम एन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कितना देखो ये से भाई साहब पूरा पूरा कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अब एम एन ऐसे लिखा जाएगा, तो एम एन टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट आपका वन हो जाएगा, तो वन ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे बोला गया था कि इसकी वैल्यू वन आपके दिखानी है कि एपी का एम एथ टर्म क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा, तो हमने एपी के एम एथ टर्म को वन यहाँ पर प्रूव कर दिया है दोस्तों। तो मैं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अगर नहीं कभी आया होगा तो इस बार टिक कर लेना, आ सकता है, अंदर से आवाज़ आ रही है। तो अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको रख करते हैं यहाँ पर, रख करते हैं, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखो इसके हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ एम टाइम्स द एम एथ टर्म ऑफ ए एन ए पी, मतलब ए पी के एम एम ए टर्म का एम गुना इक्वल एन एन टाइम्स इट्स एन एथ टर्म, मतलब ए पी के एन ए टर्म के एन गुने के इक्वल अगर दे रखा है, तो क्या सोचे तुमको दिखाना है कि mth term of the AP is zero, AP का m plus nth term का योग कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे let the first term of AP, AP का first term हम लोग a ले लेंगे, ठीक हो जाएगा common difference
ये आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। अच्छा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एमएथ टर्म ऑफ एपी निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, एमएथ एमएथ टर्म ऑफ एपी वो क्या हो जाएगा, तो आपका एम आपका लिखा जाएगा, एम क्या आ जाएगा, ए प्लस का एम माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा, ये आपका एमएथ टर्म में भी आ जाएगा। अच्छा ठीक, ऐसे अगर हम एनएथ टर्म की बात करते हैं क्या आ जाएगा, एनएथ टर्म ऑफ एपी तो आ जाएगा ए एन आ जाएगा, ए एन आपका आ जाएगा ए प्लस का एन माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एमएथ टर्म का एम गुना इक्वल किसके है, एनएथ टर्म के एन गुने के इक्वल है। तो देखो इधर, तो ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आपका ऐसे लिखा रहेगा, ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस का एम माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा, और इक्वल यहाँ जाएगा, एन आपका ऐसे लिखा रहेगा, और ए एन टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस का एन माइनस का वन, ये आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखो ये इतना क्वेश्चन गिवन दे रखा है, अच्छा हमको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एम प्लस एन टर्म का जो वैल्यू होगी वो जीरो आप किया जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एम प्लस एन एथ टर्म ऑफ द ए पी इज जीरो, हमको यहाँ पर जीरो दिखाना है। अब जीरो कैसे आ जाएगा, देखो जाए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कुछ जुगाड़ है फिट करेंगे। अब देखो इनका अंदर क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ए विकेट में एम विकेट में ए प्लस का एम माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा। तो ये सारा पार्ट हम लोग क्या ले आएंगे, बाइयों लेके आ जाएंगे, तो एन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस का एन माइनस का वन, ये आपका डी, इक्वली पूरा पूरा आपका जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब एम को अंदर पूरा पूरा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए एम प्लस का एम आ जाएगा, और एम माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा। अब यहाँ देखो जब एन को करोगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का क्या जाएगा, माइनस का इसको, अरे यार हाँ ये हटाते ब्लैक हो जाता है, माइनस का ए एन आ जाएगा, और माइनस का एन, ये एन माइनस का वन, ये आपका डी आ जाएगा, इसको कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को जब साथ ही लोगे, और अगर ए यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो एम माइनस का एन खाली बचेगा। भाई देखो इन दो टर्म को साथ लेना, जब साथ लेंगे यहाँ से अगर ए कॉमन ले लोगे, तो एम माइनस का एन यहाँ बच जाएगा। अब इसका क्या देखो क्या जाएगा, देखो इन दो टर्म को साथ ले लो, देखो इन दो टर्म में देखो इस टर्म में यहाँ पर, और इस टर्म में क्या डी मिल रहा है कॉमन, तो अगर डी कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, एम एम माइनस का वन, माइनस का जाएगा एन क्या जाएगा, एन माइनस का वन, इतना बचेगा कॉमन। अब देखो ए और एम माइनस का ऐसे बचेगा, अब यहाँ देखो डी आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इनका अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का एम आ जाएगा। भाई एम को जब एम माइनस वन से करोगे मल्टीप्लाई, तो एम स्क्वायर माइनस का एम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद क्लोज कर लेंगे इसमें। अब यहाँ देखो ए एम माइनस का एन ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का डी आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इन दोनों को भाई साहब साथ ले लो, तो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ये साथ में आपका आ जाएगा, और इन दोनों में क्या हो जाएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो m माइनस का n लिखा जाएगा। हमने इन दोनों में देखो माइनस का a प्लस का भी लिखा होता है, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो a माइनस का आपका b आ जाएगा। वैसे हमने यहाँ सेम ऐसे क्या किया है, माइनस का m प्लस के n, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो m आपका प्लस में हो जाएगा और n आपका माइनस में वहाँ पे आ जाएगा, ये आपका जीरो आ जाएगा। अब देखो इसका कुछ कुछ फॉर्मूला करना है, आज से 10 करोड़ साल पहले बताया था, ए स्क्वायर माइनस का बी से होना क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है। अब इसको हम इस वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर लेंगे, तो ए हो जाएगा एम माइनस का एन हो जाएगा, प्लस का डी ऐसे लिखा रहेगा आपका, लिखोगे तो एम प्लस का एन आपका हो जाएगा, और एम माइनस का एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम माइनस का एन आपका ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो इधर, अब देखो एम माइनस का एन यहाँ है, यहाँ पे तो कॉमन ले लोगे, तो एम माइनस का एन जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा ए प्लस का डी बचेगा, और क्या बचेगा, एम प्लस का एन और माइनस का वन बचेगा, ठीक, इक्वल क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। देखो एम माइनस का जब इसके अपान में जाएगा तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस का हो जाएगा एम
प्लस का एन माइनस का वन, ये आपका डी, हमने इसको सीक्वेंस यहाँ पर ले दिया है, इक्वल क्या जाएगा कि जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखो ए प्लस का एन माइनस का वन, तो ये ए एन टर्म की वैल्यू होती है, बट यहाँ पर ए प्लस का एम, एम प्लस का एन लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये आपका ए प्लस एम वैल्यू वैल्यू कितनी जाएगी, ये आपकी जीरो हो जाएगी। भाई देखो सर्कल के ये कैसे आ गया, अगर एन होता है तो ए प्लस का एन माइनस का वन आप लोग ऐसे लिखते हो, और अगर ए प्लस का ए एम एन हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर एम एन टर्म की वैल्यू निकालोगे तो ए प्लस का एम प्लस का एन माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आपका होगा ना, एम प्लस का एन अगर निकालोगे वैल्यू ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डी यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों को आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ करता रहूँगा और करता था। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, बाकी ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी नंबर अच्छे कभी नंबर खराब आते हैं। अब देखो हम आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड ए बी सी, हमको ए बी सी सिर्फ दो, ये क्वेश्चन आ सकता है क्यों, क्योंकि आप लोग को क्या होता है, आप लोग को नए क्वेश्चन देखने की आदत होती नहीं है, आप लोग नए क्वेश्चन नहीं देखते हो, जो एन सी आर टी होते वही आप लगाते हो, अभी टाइम कम है, पहले एन सी आर टी पढ़ा लेंगे, टाइम बचेगा तो अन्य क्वेश्चन करा देंगे, उसे क्वेश्चन तो कराएंगे, इतना तो ध्यान रखना, ठीक छोड़ेंगे नहीं जल्दी। अब देखो सर क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा फाइंड ए बी एंड सी, कह रहा ए बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इफ इट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन दे रखा है, द नंबर ये ए कामा सेवन कामा बी कामा 23 कामा सी, ये आर एपी में है, तो हमें हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या दे रखा है, ए कामा सेवन कामा बी कामा 23 कामा सी आर इन एपी, किसमें हो जाएगा, ये आपका एपी में है। अगर ये एपी में है तो कंडीशन ऑफ एपी क्या होती है, हम क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ एपी। तो दोस्तों एपी की कंडीशन क्या होती है कि सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म के इक्वल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, सेवन फर्स्ट आपका आ जाएगा ए, इक्वल के थर्ड आपका आ जाएगा बी, और कितना आ जाएगा माइनस का सेवन आपका आ जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है, आपका होता थर्ड टर्म माइनस का थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका तो ए प्लस का बी, यहाँ सॉल्व करोगे देखो ए आपका जाएगा दाई हो तो आपका ए प्लस में हो जाएगा, ए प्लस का बी इक्वल कितना जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा। इसको इक्वेशन अभी के लिए एक मान लो। अब देखो थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म क्या जाएगा, थर्ड टर्म क्या जाएगा, अब अगर चाहे देखो हम ए बी यहाँ मिल जाएगा और बी सी हमको इधर मिल जाएगा, चलो सॉल्व को देखते हैं, तो क्या जाएगा थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म हो जाएगा, तो थर्ड टर्म कितना आपका हो जाएगा, थर्ड आपका बी आ जाएगा, सेकंड आपका सेवन आ जाएगा, तो ये फोर्थ कितना आ जाएगा, फोर्थ आपका 23 माइनस का आपका ये बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक है, अगर इसको यहाँ से कुछ बी की वैल्यू को मिल जाएगी यहाँ से, तो बी कितना मिल जाएगा, देखो ये आपका माइनस का बी है, जब दूसरी जगह आपका प्लस में हो जाएगा तो बी प्लस का बी आ जाएगा, और 23 अब जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस का सेवन आ जाएगा, देखो सेवन आपका जब जाएगा, सेवन आपका जाएगा दाई हो तो आपका प्लस में आ जाएगा, तो टू बी इक्वल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, या बी की वैल्यू कितनी 15 यहाँ पे आ जाएगी, भाई थ्री ये 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका 15 यहाँ पर आ जाएगा। अब b 15 है, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे ठीक, तो a कितना मिल जाएगा, a हमको यहाँ पर 1, a हमको कितना मिल जाएगा, देखो सर b की वैल्यू 15 पुट करोगे तो a की वैल्यू हमको माइनस का 1 यहाँ मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो b 15 है, a माइनस 1 होगा तभी तो आपका 14 आएगा ना, a प्लस बी। अब यहाँ देखो ये भी हमको मिल जाएगा, हमको c चाहिए। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि
फोर्थ टर्म क्या जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, हाँ चौथा टर्म माइनस का तीसरा टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, पांचवा टर्म माइनस का फिफ्थ टर्म माइनस का फोर्थ टर्म ही आपका जाएगा। ये अगर आपके टर्म एपी में होंगे तो कंडीशन ये होती है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। ठीक, अब यहाँ देखो तो चार कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना जाएगा 23 माइनस का बी, 23 माइनस का बी इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि सी माइनस का 23 आ जाएगा। भाई सी आपका पांचवा टर्म है, सी आपका चौथा टर्म हो जाएगा। तो 23 माइनस कितना जाएगा, बी की वैल्यू 15 जाएगी, सी हमको निकालना है 23 आपको यहाँ पर ऐसे यहाँ दे रखा है। तो सर ये 23 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, हम लोग को 8 बचेगा, 8 5 13 हाँ ये आपका ये आपका कितना बचेगा, ये हम लोग का यहाँ पर 23 में से 15 जाएगा हम लोग का यहाँ पर 8 बचेगा, 8 ये सी आ जाएगा और माइनस का 23 आ जाएगा। माइनस का 23 जब बाई हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 प्लस का 8 तो कितना जाएगा, ये आपका 31 यहाँ पे आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 31 यहाँ पर आ जाएगी और आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको थर्ड वाला समझ में आया होगा। भाई इसमें वो प्रॉपर्टी लगानी थी, सवाल थोड़ा सा देखने में अलग था, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।